नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के अंदर आंखों के सामने होगा सबसे बड़ा चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 दिनों का समय यानी कि दोस्तों 5, 6 और 7 सितंबर का समय आप सभी के जीवन काल में करने वाले हैं बहुत ही अचंभिक बदलाव। यानी कि दोस्तों अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में वो बदलाव होने वाले हैं, ग्रहों की स्थिति वे परिस्थिति का निर्माण करने वाले हैं कि दोस्तों आप चौंक जाएंगे और यशमय ईश्वर का भी चमत्कार आप सभी की आंखों के सामने होंगे, जिनसे दोस्तों आप सभी का होश उड़ जाएगा और यशमय आप चमत्कार जब देखेंगे तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप आंखों से आंसू रोक नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों अब आपके कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 दिनों का समय 5, 6 और 7 सितंबर का समय दोस्तों भगवान का दिया हुआ वरदान है। यशमय भगवान के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में बहुत ही अच्छा परिवर्तन होने वाले हैं। दोस्तों एक शब्दों में कहें तो ईश्वर बड़े ही भाग्यशाली लोगों को ऐसे मौके देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि अब आपके नसीब में ये मौके आ चुके हैं और आपके कर्मों के बड़े बड़े फल यशमय आपको प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको 3 ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी मिलने वाली है। यूँ कहें 3 ऐसे कर्मों के फल मिलने वाले हैं जिनसे आप सभी के घर और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों अगले 3 दिनों का समय आपके लिए हीरे से भी कीमती समय है। ऐसे समय में दोस्तों आप कोई भी गलती ना करें और जो बात हम आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं उन सभी बातों को बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि जहाँ पर ग्रहों की अच्छी स्थिति होती है वहाँ पर कुछ विपरीत ग्रह भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम सही समय पर सही कार्य कर लें तो वह ग्रह हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता, उनका असर हमारे ऊपर नहीं होता है। इसी प्रकार दोस्तों अगले 3 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है और ये अब आपके हाथों पर निर्भर करता है कि आप इन्हें कैसे अपने उपयोग में लाते हैं। यानी कि दोस्तों जो सावधानी हम आप सभी को बताने वाले हैं उन्हें आपको बिल्कुल ही ध्यान से सुनना होगा। जी हाँ दोस्तों, बस आप आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात बता दें कि जिस भी जातक के जीवन काल में, जिसके भी कुंडली में, जिसके भी राशि पर ये ग्रहों की स्थिति बनती है दोस्तों, उन सभी का कर्म सबसे निश्चल होता है, सभी व्यक्तियों से भिन्न होता है। जी हाँ दोस्तों, जो ये शुभ योग का निर्माण हुआ है और दोस्तों एक साथ होना दोस्तों व्यक्ति का कर्म को दर्शाता है। जो व्यक्ति कर्म से हमेशा परिपूर्ण रहा हो, जो जीवन काल में किसी के प्रति कभी छल की भावना नहीं रखता हो, जो हमेशा अपने परिवार के लिए ही सोचता हो, किसी की बुराई अपने मन में नहीं लाते हैं दोस्तों, उन्हीं के जीवन काल में कर्मों के देवता भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और साक्षात देव धन की देवी माता लक्ष्मी भी आप सभी के जीवन काल में प्रसन्न हैं। तो दोस्तों आप सभी के जीवन काल में अगले 3 दिनों में बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों एक प्रकार से कहें अगले 3 दिनों में आप सभी का सोया हुआ किस्मत जागने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगले 3 दिनों का समय आपके लिए कोई अमृत से कम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का भाग्य उदय होने वाला है तो दोस्तों आपको अनेकों क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। बहुत अच्छे शुभ समाचार यश में आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, परंतु वो कहते हैं कि जब भी कहीं पर अच्छा कार्य होता है तो दोस्तों आप देखे होंगे कि कोई इंसान ऐसा जरूर होता है जो उनके कार्यों में विघ्न बाधाएं डाल देते हैं, जिनसे उनके कार्यों में उन्हें नुकसान हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस धरती पर अगर शुभ ग्रह है तो अशुभ ग्रह भी है। इसी प्रकार यहाँ पर कोई अगर व्यक्ति अच्छा है तो कोई व्यक्ति बुरा है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की घटना आप सभी के जीवन काल में हमेशा से होता आ रहा है तो दोस्तों ये घटना कैसे टल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को उन्हीं लोगों के बारे में बता रहे हैं जो कि आप सभी के जीवन काल में शत्रु बनकर घूम रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपके अपने होकर आपके अपने नहीं होते हैं, जो अपने का दिखावा करके आपको पीठ पीछे छुरा घूमते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं लोगों से आपको बस इन दिनों में सावधान रहना होगा।
जी हाँ दोस्तों, अन्यथा आप सभी के जीवन काल में पानी भी फिर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो शत्रु होता है, जो दुश्मन होता है, उनके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो शत्रु होता है, अगर आपके ऊपर उन्होंने एक बार छल कर दिया तो यकीन मानिए जीवन भर वह आपका अपना नहीं होगा। जी हाँ, उन्हें माफ करके आप अच्छा इंसान बन सकते हैं, लेकिन दोबारा उन पर यकीन करके, उन पर भरोसा करके बेवकूफ बिल्कुल ना बने, ये सबसे बड़ा मूर्खता वाला कार्य है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि उन शत्रु पर आपको कभी भी यकीन नहीं करना है। अगर आपके जीवन काल में शुभ मांगलिक कार्य हो रहे हैं, आपको खुशखबरियां मिल रही है, तो दोस्तों यकीन मानिए शत्रु भी तैयार है आपको हराने के लिए, आपको कार्यों में नुकसान पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, जिनसे आप सभी के खुशियों में किसी का नज़र ना लगे। जी हाँ दोस्तों, जिनसे आप सभी के परिवार पर किसी औरों का नज़र ना लगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन से कार्य आपको करना है, कौन सी कार्यों में आपको सावधानी रखनी है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत कौन से सरल उपाय आपको आने वाले 3 दिनों के अंदर करना चाहिए, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए सबसे खास रहने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि यश में आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आप सभी का लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और पारिवारिक जीवन के लेकर कैसी स्थितियाँ रहने वाली है, कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं, कौन कौन सी खुशखबरी आप सभी के जीवनकाल में साक्षात भगवान शिंदी, मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में आपको 5 ऐसी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिन्हें सुनकर आप सभी मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी बड़ी खुशखबरी यश में आपको साक्षात भगवान श्री विष्णु जी, मां लक्ष्मी और कर्मों के देवता भगवान शनिदेव देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यश में जो ग्रहों की स्थिति बनी है, जो धन योग बना है, इनके कारण दोस्तों आपको धन लाभ के साथ साथ बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और ये सफलताएं आपको हर हाल में मिलकर रहेगा आने वाले 3 दिनों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, एक सुबह आप सभी को बता दें कि दोस्तों यश में खुशियां आप सभी के कदम चूमने वाली है, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप सभी का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। दोस्तों, कर्मों के देवता भगवान शनिदेव आप सभी के दुश्मनों का यश में सत्यानाश करने वाले हैं, एक प्रकार से कहें उनका विनाश करने वाले हैं। बस आपको अपने जीवन काल में कुछ कार्य करना है, कुछ नकारात्मक कार्य करने से बचने हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में आपको क्या क्या खुशखबरी मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों सबसे पहला और बड़ी खुशखबरी आप सभी को अपने संतान की तरफ से मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, संतान के विदेश से संबंधित कार्रवाई अब शुरू हो सकती है। पढ़ाई को लेकर, नौकरी के लेकर जो योजना बना रहे हैं, विदेश जाने के संबंधित जो भी आप योजना बना रहे हैं, यश में वह सफल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह समय आपका जो भी सपना है जल्दी पूर्ण होने वाला है, समय आपके लिए बहुत ही सुखद होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज का शीर्षक है कि आप सभी का भाग्योदय जहाँ होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी के मेहनत का फल मिलेगा ही। इसके उपरांत दोस्तों जो भी पिछले समय की आपके मेहनत हैं, उन सभी का फल मिलेगा। और दोस्तों जितना आपने मेहनत किया है, उनसे दुगना चौगुना में आपको फल मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके कुंडली में जो योग बना है, साक्षात भगवान शनिदेव आपके कर्मों को दर्शा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यश में आप सभी को बता दें कि व्यवस्था के बावजूद भी आप अपनी मेहनत से अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, सफलताओं के झंडे आप गाड़ने में यश में कामयाब रहने वाले हैं। आप यश में कोई भी कार्य करें दोस्तों, उन कार्यों में आपको सफलताओं की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। नौकरी, व्यापार, शिक्षा भी यश में आपको लाभ देने वाले हैं। जो भी लोग इन क्षेत्र से जुड़े हैं, उन सभी को लाभ की बड़ी संभावना दिख रही है। घरों की जो स्थिति है, ये आपके ही पक्ष में रहने वाला है। बस आप ध्यान रखें कि कोई भी कार्य बिना योजना बनाकर ना करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सही तरीके से योजना बना पा रहे हैं, तभी उस कार्यों की शुरुआत करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिना योजना बनाकर कार्य करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। आपका गलत निर्णय आपको कई प्रकार के
महत्वपूर्ण लाभ से वंचित रख सकता है। तो आपको बस इन बातों पर ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही आप सभी को बता दें कि कोई ऐसा कार्य जो पिछले कैश में से अटका हुआ था यश में बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में आप जल्दबाजी में कोई भी कार्य बिल्कुल ना करें। जी हाँ दोस्तों, घर परिवर्तन संबंधी किसी प्रकार की कोई योजना बनेगी जिसमें आपके सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। जी हाँ दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण बात, परिवार में किसी के विवाह या फिर सगाई संबंधी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा भी बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह समय बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। विवाह संबंधित चर्चाएं यश में आपके घर पर चल सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छे जीवन साथी का तलाश अगर आप कर रहे थे तो यश में आप सभी का तलाश पूरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को हम यह बात बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ समय से आपने जो भी मेहनत किया है दोस्तों, यश में उनका फल मिलने का समय है। साथी शुद्ध समेत फल मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी कार्य आपका था उन कार्यों में बहुत ही गति आने वाली है, बहुत ही तेजी से वह कार्य ऊंचाइयों को छूने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जिस प्रकार आपने पिछले समय कड़ी मेहनत किया है दोस्तों, अब आपका जब आप उन परिणाम को देखेंगे तो दोस्तों आप अपने आँखों से खुशी के आंसू नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यश में आप सभी का कार्य बनेगा। साथी जो रुकावटें आपके कार्यों में आ रही थी दोस्तों, वे रुकावटें खत्म होंगी और जो भी रुकावटें आएंगी, आप रुकावटें के बावजूद भी सभी महत्वपूर्ण कामों को यश में निपटाने में भी कामयाब रहने वाले हैं। घर परिवार के संबंधों में मधुरता आएगी और कुछ बीती हुई नकारात्मक गलतफहमी अभी यश में दूर होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में गलतफहमियाँ हैं तो वह भी दूर होने वाला है और घर में जो भी माहौल है पहले से अच्छा रहेगा। एक प्रकार से कहें खुशियों का माहौल आपके घर में रहने वाला है। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात आप सभी को बता दें कि संतान प्राप्ति के अच्छुक जातकों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। संतान प्राप्ति का सुख आप सभी को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, जिनको संतान प्राप्ति का जो चाहत थी वह चाहत यश में खत्म होने वाले हैं और संतान प्राप्ति के योग भी यश में बनने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि आपको संतान प्राप्ति के लिए आपको यश में कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको अपने माता का पूरा समर्थन करना है, आदर करना है, सम्मान करना है। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि दोस्तों यश में आपको थोड़ी सी सावधानी बता दें कि दोस्तों एक बात को आप ध्यान में रखें, जैसे दोस्तों कभी कभी आपको आत्मविश्वास में आ जाते हैं और आपको ये आत्मविश्वास कभी कभी बड़ा नुकसान भी कर देता है। जी दोस्तों, आपकी परेशानियों का कारण भी आपका आत्मविश्वास बन जाता है। जी दोस्तों, यूँ कहें कि अति आत्मविश्वास आपकी परेशानियों का कारण है। अति आत्मविश्वास योजनाओं को कार्यरूप देने में परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों क्या करें, सबसे पहले आपको अपनी वाणी पर मधुरता लानी है। जी दोस्तों, आपको अच्छा बोलना है, गलत बात नहीं करनी है, क्योंकि आप सभी को बता दें कि आपके कुछ काम नहीं बन रहे हैं। जी दोस्तों, यह भी एक बार अच्छा वाणी में मधुरता रखें। जी दोस्तों, अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो वह काम आपका बन जाएगा। एक बात सावधानी आप इन पर जरूरी रखिएगा। इसको उपरांत आप सभी को बता दें कि आस पड़ोस में जो संबंधों को उचित दूरी बनाकर रखना आपके लिए बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने आपस के जो लोग हैं, जो आपके रिश्तेदारों में नज़दीकी रिश्तेदार संबंधी या फिर करीबी लोग हैं दोस्तों, उनसे थोड़ा इसमें दूरी बनाकर रखना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि इसमें विरोधी आपके ऊपर हावी होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा है कि खुशियाँ इसमें आपके जीवन काल में आने वाली है, तो आपको शत्रु से थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, परंतु आप सभी को बता दें कि आपके समक्ष वो शत्रु टिक नहीं पाएंगे यदि आप आत्मनिर्भर रहेंगे, अपनी सीक्रेट किसी को भी बिल्कुल ही ना बताएं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो आपके जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं वो लीक हो सकती है और इनसे आपको भारी नुकसान भी हो सकता है, इसलिए अपने सीक्रेट्स को अपने तक ही सीमित रखें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्यों दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जिस भी व्यक्ति को अपने जीवनकाल में सफलताएँ मिला है, वो अपने जीवनकाल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दिल में ही दबा कर रखे हैं। जी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जब छोटी सी सफलता मिली है
फिर लोगों को वह बता रहे हैं। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो भी सफलताएं आप सभी को प्राप्त होती है उनका ढिंढोरा आपको नहीं पीटना है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ऐसा अगर आप करेंगे तो सभी क्षेत्रों में आप सफलताओं के झंडे गाड़ने वाले हैं। और आपको यह बात भी बता दें कि कोर्ट संबंधी कोई भी मामला है तो दोस्तों यह समय उनके लिए समय बहुत ही अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट में अगर आपका कोई भी मामला अटका हुआ है, उलझा हुआ है, तो दोस्तों वह मामला जो है आपके पक्ष में होने वाले हैं और उनमें आपको बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि इसमें संतान की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखना है। जी हाँ दोस्तों, इससे आपका ही फायदा है और दोस्तों बच्चों को उचित मार्गदर्शन भी मिलेगा और आपके साथी साथ प्रेम संबंधों से जुड़ी कुछ बातों के बारे में हम आप सभी को बता दें। तो दोस्तों यशमी पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और इन्हीं के कारण जो भी आपके सभी के बीच अनबन चल रही थी वह अनबन भी यशमी दूर होने वाली है। जब परिवार की खुशियों की बात आए तो दोस्तों परिवार में खुशियां रहना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जी दोस्तों, और इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहेगा, जीवन साथी का पूरा सहयोग आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया है इस वीडियो में कि विवाह संबंधित आपके लिए अच्छे रिश्ते इसमें आ सकते हैं। जी दोस्तों, इसी प्रकार मांगलिक कार्यक्रम आप सभी के घर में बन सकता है। जी दोस्तों, इस संबंधित कोई चर्चाएं आपके जीवनकाल में अवश्य होने वाली है, जीवन साथी की तलाश आपकी पूरी हो सकती है और दोस्तों आपके प्रेम संबंध की जो तलाश थी वह खत्म होंगी। आपको प्रेम संबंधित मामलों में उसको पूर्ण रूप से कह देना चाहिए कि वह आपसे प्रेम करते हैं या फिर आप उनसे प्रेम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, विवाह करना चाहते हैं तो फिर आप विवाह कर सकते हैं, इनके लिए समय आपके लिए पूर्ण रूप से शुभ है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि बच्चों की समस्याओं को लेकर जीवन साथी से कुछ मामलों में नोक झोंक रह सकती है, परंतु जल्द ही ये आपसे दूर हो जाएंगे, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो भी नोक झोंक है ये छोटी मोटी बच्चों की समस्याओं को लेकर ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बस आप सभी को एक बात बता दें कि घर परिवार में यशमय वातावरण अच्छा बना रहेगा, पति पत्नी में आपसी जो संबंध है वो मधुर रहेंगे, मित्रों के साथ कोई भी पारिवारिक गेट टुगेदर का संबंध बन सकता है, प्लान बन सकता है। जी दोस्तों, आपके करियर व्यवसाय संबंधी जो भी क्षेत्र जुड़े हैं दोस्तों उन पर चर्चा यशमी हो सकता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह समय जब आप अपने करियर के बारे में सोचेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपका कार्य क्षेत्र यशमी ऊंचाइयों को छूने वाला है। जी दोस्तों, जिस क्षेत्र में आप हाथ बढ़ाने वाले हैं वह क्षेत्र में आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। जी दोस्तों, समाज में इसमें आपका अलग ही एक मान बनने वाला है। जी दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आप अलग ही एक छवि बना सकते हैं जिनके कारण समाज में तो आपका मान सम्मान बनेगा ही। दोस्तों आप सभी के घर में भी लोग बहुत ज़्यादा आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट करने वाले हैं। जी दोस्तों, यदि आप कोई नौकरी संबंधी कोई इंटरव्यू दिए हैं, परीक्षा दी है, तो उसमें आपको लाभ हो सकता है, सफलताएँ मिलेंगी, कामयाबी मिलेंगी। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इसमें आपको मनचाही नौकरी प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। बेरोजगारों के लिए समय बहुत ही अच्छा है, जो ग्रहों की स्थिति इसमें दर्शा रही है कि आपको एक मनचाहा रोजगार भी प्राप्त हो सकता है। जी दोस्तों, बस आपको क्या करना है कि सही ढंग से आपको किसी भी व्यक्ति को अप्रोच करना है, सही ढंग से ही आपको बात करना है, नम्र व्यवहार आपको अपनाना है। जी दोस्तों, इनसे आप सभी के जीवनकाल में हमेशा नौकरी की कमी नहीं रहेगी या फिर यूं कहें तो दोस्तों कभी भी आपको कष्ट नहीं होगा। जी दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने बॉस उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा जिससे उनको प्रमोशन भी मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा, बड़ी खुशखबरी यशमी मिलना आपको तय है। जी दोस्तों, यशमी आप आजमा कर देख लीजिए, अपनी मेहनत से आप सफलताओं को हासिल करने वाले हैं। जी दोस्तों, इसके साथ ही जो भी लोग बिल्डर प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय करते हैं उनके लिए अच्छे मुलायम यशमी आएंगे। जी हाँ दोस्तों, यशमी आपको क्या करना है कि अपने फाइलों को सही ढंग से रखना है। जी दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण फाइल है उन्हें संभाल कर रखना है। इसके उपरांत दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये फाइल चोरी होने या फिर खोने की आशंका भी बन रही है, तो सावधान रहें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दें कि यशमी आप पैसे की लेन देन बिल्कुल ना करें। जी दोस्तों,
अगर पेशे की लेन देन कर भी रहे हैं तो दोस्तों सावधानी रखकर ही करें, ये आपके लिए बेहद ही सावधानी रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी सावधानी ये आपके लिए रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो यश में धन प्राप्ति का समय रहेगा, आपके लिए धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे यह समय, परंतु दोस्तों पेशे के लेन देन में आपको सावधानी रखना बहुत ही आवश्यक है। कोशिश करें कि दोस्तों आप उधार ना दें। जी हाँ दोस्तों, आप किसी को, अन्यथा दोस्तों आप सभी का पेशा फंस सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। और दोस्तों इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि कोई अपना ही व्यक्ति है जो आपसे पेशी मांग रहा है, परिस्थिति बहुत ही बुरा है, तो दोस्तों आप पेशा दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यश में दिया हुआ पेशा आपका थोड़ा सा अटक सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन पेशा आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़े हैं या फिर मीडिया संबंधित कार्यों से जुड़े हैं, तो यश में आप सभी का कार्य बहुत ही अच्छा रहेगा। और अपनी नई, और यदि आप कोई नई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं तो दोस्तों उनमें आपको क्वांटिटी पर, गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपके कार्यों के लिए खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इन बातों का आपको बस ध्यान रखना है और खास ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको उचित परिणाम हासिल होने वाले हैं। अपने व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपको लाभ मिलने तो मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, लाभ तो बिल्कुल ही मिलेंगे, बट आपकी तरक्की जो है वे बिल्कुल ही आपके लिए सबसे अलग लेवल पर रहने वाले हैं। सफलताएं आप सभी के कदम चूमने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से कहें यश में आपके मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। निराश होने की कोई आवश्यकता आप सभी को नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी कार्यों में असफलताएं हाथ लगी थी तो दोस्तों यश में आपका वह कार्य भी सफल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको स्वास्थ्य का यश में अच्छा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के लिए सितारे संकेत दे रहे हैं कि स्वास्थ्य का भरपूर आपको साथ मिलेगा। किसी प्रकार की चिंता ना करें, परंतु जो भी आप खान पान कर रहे हैं उन पर आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जंक फूड और ऐसा खाना बिल्कुल ना खाएं जो कि आपके सेहत के लिए हानिकारक है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप सभी का सेहत बिल्कुल ही मजबूत रहने वाले हैं और कोई भी समस्याएं आप सभी की सेहत में नहीं आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ये श्री ग्रहों की स्थिति जो कि आप सभी के जन्मकाल में घटनाएं होने वाली है, परंतु दोस्तों हम आप सभी को यह बात बता दें कि ग्रहों की स्थिति के साथ साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना यश में बेहद ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो भी व्यक्ति अपने जन्मकाल में सफलताओं को प्राप्त करता है, तो दोस्तों उनके जन्मकाल में आप देखेंगे कि बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं जो कि उन्हें बहुत सारे इस प्रकार के, एक प्रकार से कहें तो दोस्तों उन्हें उपाय बताते हैं, उन्हें सुझाव देते हैं, बहुत सारे नए नए कार्य कहने को कहते हैं, उनके सामने अच्छे बनते हैं। तो दोस्तों आपको इन सभी बातों पर थोड़ा सा गौर करना होगा कि दोस्तों सफलताएँ अगर आपने अपने कर्म से कमाया है तो दोस्तों कहीं और आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। बस दोस्तों आपको अपने जन्मकाल में कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ उपाय करना है जो कि दोस्तों आपके लिए बेहद ही लाभकारी है। और दोस्तों ये उपाय अगर आप भूल कर भी कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए इनका पूरा पूरा फल आप सभी को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको कौन सा उपाय करना है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आपको अपने घर में तुलसी को जल अर्पित करना है। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो आपने बहुत सारी वीडियो में सुनी होंगे, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि तुलसी पर सही तरीके से जल अर्पित करना व्यक्ति के जीवनकाल में हमेशा उनको धनवान ही रखता है। जो भी लाभ आते हैं वे लाभ उनके साथ रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि पेशा तो आता है लेकिन वह पेशा टिक नहीं पाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों हमारे जीवनकाल में हम बहुत सारे नकारात्मक कार्य करते हैं जिनकी वजह से ईश्वर हमसे रुष्ट हो जाते हैं। एक प्रकार से कहें ऋश्वर ईश्वर हमारे ही गलती के कारण हमसे दूर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए अब आपको क्या करना है कि जब ईश्वर धन की देवी माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु जी और न्याय की देवता भगवान शनिदेव आप सभी के जन्मकाल में अगर प्रसन्न हुए हैं तो दोस्तों आपको अपने जन्मकाल में सकारात्मक कार्य करना है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य यह है कि तुलसी को जल देना है। और दोस्तों तुलसी को जल देना बहुत ही आम बात है, लेकिन दोस्तों सही समय पर जो भी व्यक्ति तुलसी को जल अर्पित कर देता है दोस्तों उनके जीवनकाल में धन की कमी होती नहीं है और जो भी धन आते हैं दोस्तों वह धन टिक कर घर में ही रहते हैं।
तो दोस्तों आने वाले 3 दिनों का शमी आपके लिए अति उत्तम शमी होगा। गुरु शुक्र शनि की युति आप शिवी के जुनकाल में लाभकारी स्थिति लाने वाली है और यश में आपको तुलसी को जल अर्पित करना है। जी दोस्तों, आप शिवी को बता दें कि तुलसी के पौधे का प्रयोग किसी भी पूजा पाठ शुभ कार्य में किया जाता है। जी दोस्तों, निश्चित रूप से तुलसी जी को जल अर्पित किया जाता है। जी दोस्तों, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में रविवार और एकादशी के दिन जल अर्पित करने से मनाही मानी गई है। दरअसल दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती है। जी हाँ दोस्तों, और अगर रविवार के दिन उन्हें जल चढ़ाया जाता है तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए दोस्तों, यश में कहा गया है कि रविवार के दिन जल बिल्कुल अर्पित नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और यश में जो समय है दोस्तों बहुत ही मंगलकारी समय है। यश में आप तुलसी को जल जरूर ही अर्पित कीजिएगा। जी दोस्तों, इनसे आप शिव के उनकाल में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं दोस्तों उनका वास खत्म हो जाएगा और दोस्तों सकारात्मक शक्तियां आप शिव के घर में विराजमान करने वाली है और दोस्तों घर के जो भी गृह क्लेश है वे खत्म होंगे और दोस्तों जो भी पेशे आप सभी के जुनकाल में आने वाले हैं वे टिक कर रहेंगे। भगवान श्री विष्णु जी माता लक्ष्मी जो आपसे नाराज हो जाते हैं दोस्तों ये हमेशा आपसे खुश रहेंगे। बस आपको ये कार्य करना है दोस्तों, जो भी व्यक्ति इन उपाय को कर लेगा, मात्र एक छोटा सा उपाय है, जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेगा दोस्तों उनके जुनकाल में कभी भी धन की कमी नहीं रहने वाली है। साथ साथ दोस्तों जो भी पेशा आते हुए पेशा टिक कर रहेंगे। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था, बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमने आपको आज के इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों इन उपायों को आप कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।